तुर्की के उस्मानिया में मंजर कुछ ऐसा है कि सड़कों पर ही कई ताबूत दिखाई दे रहे हैं। उस्मानिया में इतनी लाशें मौजूद हैं कि उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ रही है। बता दें कि 6 फरवरी को स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:17 पर तुर्की और सीरिया में जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 7.8 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र 18 किलोमीटर जमीन के नीचे था। इन झटकों के कुछ ही मिनटों बाद दोबारा रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता से भूकंप आया। इसके लगभग 9 घंटे बाद दोपहर 1:24 पर जब लोग भूकंप से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे या त्रासदी में अपनों की मौत का मातम मना रहे थे, तभी तीसरी बार रिक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता का एक भूकंप का झटका आया, जिससे कि देश दहल उठा।